तो समाजवादी पार्टी का अपराध कनेक्शन ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं हो रहा। अभी तक हत्या, दुष्कर्म, इस तरह के मामले सामने आ रहे थे और अब मामला सामने आया है देश को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने का। जी हाँ, ये जो नकली नोटों की आप खेप देख रहे हैं, ऐसी ही खेप समाजवादी पार्टी के तीन बड़े चेहरों के इन्वॉल्वमेंट के बाद सामने आई है। और अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि बार बार समाजवादी पार्टी कनेक्शन ही अपराध का आखिर क्यों सामने आता है। चलिए पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आपके लिए तस्वीर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब आप समझेंगे कि कार्रवाई कैसे हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक्टिव है। ये तस्वीर देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये चार आरोपी ये व्हीलचेयर पर हैं और इनको इनके ऊपर जिस तरह से इन्होंने हमला करने की कोशिश की, काउंटर एक्शन हुआ है और देखिए कैसे कैसे माफी मांग रहे हैं। सुनिए जरा, एक बार सुनवा देते हैं आपको। माफी दे दो साहब का उद्घोष इनकी तरफ से हो रहा है, पहले समझ नहीं आया, अब माफी मांगनी पड़ रही है। सुनिए, तो तस्वीर आपने देख ली, माफी मांग रहे हैं। किस बात की माफी मांग रहे हैं, हुआ क्या, ये देखिए आपको दिखाते हैं। ऐसे ही जाली नोट छप रहे थे। जी हाँ, कुशीनगर में जाली नोट के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बड़े स्तर पर ये रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस ने गिरोह के 10 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी है, सभा नेता। गिरोह का सरगना निकला है, वो सारी चीजें चला रहा था, सिंडिकेट चला रहा था बकायदा। लोहिया वानी का राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय स्तर का नेता है समाजवादी पार्टी का, जो गिरफ्तार कर लिया गया है। रफीक खान उर्फ बबलू, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये रैकेट चला रहे थे, इन पर रैकेट चलाने की बात है। गैंग का सदस्य नौशाद भी समाजवादी पार्टी का भी पदाधिकारी है, उसकी भी डिटेल आगे आपको देंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, इसी तरह से नोटों की छपाई चल रही थी, देश विरोधी एक तरह से ये आर्थिक तंत्र पर चोट पहुंचाने की कोशिश थी। इंटरनेशनल स्तर पर ये पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। चलिए पहले आपको नकली नोट दिखा देते हैं, कैसे नोटों की छपाई चल रही थी, पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था, नेपाल तक नोट भेजे जा रहे थे। जी हाँ, तस्वीर आप देखिए पहले, आपको लगेगा बिल्कुल असली नोट है। ये देखिए, ये जाली नोट की जो तस्वीर, 500-500 की ये जो नोट दिखाई दे रहे हैं, ये नकली हैं, लेकिन इनकी छपाई हुई है सपा नेता के निर्देश पर, उनके पूरे प्लान के हिसाब से, उनकी पूरी टीम इस पे काम कर रही थी। कुशीनगर से देसी बम भी मिले, सिर्फ नकली नोट नहीं, देसी बम भी मिले। अपराध कनेक्शन तो सामने आता ही रहता है। और इसके अलावा क्या मिला है, बैग मिला और उसमें खचाखच नोट भरे हुए थे। आप समझिए कि कितनी बड़ी तैयारी थी। जिस तरह के सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है, उससे समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी नेता, ये जो पूरे आरोपी हैं, ये पूरी तरह से इस दलदल में फंसे हुए थे, पूरा एक्शन प्लान चला रहे थे और इनकी क्राइम कुंडली अब खोल के रख दी गई। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ अपराधियों में ऐसा है कि कानून के शिकंजे में फंसते ही ये लोग अपराध से तौबा करते नजर आते हैं। व्हील चेयर पर बैठे ये लोग चोर, डकैत या हथियारे नहीं, बल्कि सपा नेता के सिपा सलार हैं। लंबे समय से नकली नोट छापने का काम किया करते थे। सपा नेता की शहमगी तो इन जालसाजों को लगा कि कानून इन तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन योगी राज में जहां भी अपराध होगा, वहां योगी की पुलिस जरूर पहुंचेगी। कुशीनगर पुलिस ने जब इनके ठिकानों पर छापा मारा तो नकली नोट, देसी बम, अवैध हथियार और विदेशी करेंसी की बड़ी खेप बरामद हुई। कुशीनगर में थाना तमकुही राज क्षेत्र में एक जाली नोटों में कार्य करने वाला एक गैंग, उसको बर्स्ट किया गया, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इनके पास से 5,60,000 कीमत की जाली नोट बरामद हुए हैं, साथ ही साथ नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है। और ऐसे जितने भी लोग इसमें सम्मिलित है, उन सभी पे पकड़ के कार्रवाई इसमें फर्दर कराई जाएगी और साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई प्रचलित कराई जाएगी। सपा नेता रफीक खान की निगरानी में ये पूरा नकली नोट का सिंडिकेट चलाया जा रहा था। रफीक समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। रफीक ने भले खादी पहन रखी हो, लेकिन वो गर्दन तक अपराध में डूबा हुआ है। रफीक अहमद पर कुशीनगर के कई थानों में 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रफीक के साथी भी अपराध में उसके बराबर के हिस्सेदार हैं। औरंगजेब पर 8 गंभीर मुकदमे, नौशाद पर 4 मुकदमे, परवेज इलाही पर 8 मुकदमे, शेख जमालुद्दीन पर 4 मुकदमे और नियाजुद्दीन उर्फ मुन्ना पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इलाही,
ये सभी एक शातिर किस्म के, इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीज़ें करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिन जघन्य अपराधों में पुलिस ने गिरफ्तारियां की है उन सभी मामलों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जरूर जुड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि सपा सुप्रीमो इस मामले में क्या बयान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सपा के तीन चेहरे इसमें इन्वॉल्व थे, जो तीन बड़े चेहरे थे, हालांकि आरोपी कई सारे, लेकिन आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए रफीक खान उर्फ बबलू जो कि राष्ट्रीय सचिव था लोहिया वाहिनी का, यानी राष्ट्रीय स्तर का नेता था। दूसरा चेहरा नौशाद खान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, सांस्कृतिक विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, ये भी राष्ट्रीय चेहरा था। और तीसरा चेहरा था औरंगजेब जो कि सक्रिय कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी का, और ये पूरी तरह से इन्वॉल्व था। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो रही, समाजवादी पार्टी से तो कुछ बोलते नहीं बन रहा, वही बीजेपी हमलावर है। सुनिए जरा, हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजना की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है, तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो, और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। तो ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बरेली में श्रद्धा वर्कर जैसा मामला था हमने आया, जहां 40 टुकड़े कर दिए गए महालक्ष्मी के। दिल्ली में हुआ श्रद्धा वल्कर कांड आपको याद होगा, जहां 35 टुकड़े श्रद्धा वल्कर के मिले थे फ्रिज के अंदर, वैसा ही बेंगलुरु में हुआ। यहां पर महालक्ष्मी के करीब 30 से 35 या ये कहें 40 टुकड़े किए गए, क्योंकि जितने टुकड़े किए गए वो फर्श पर बिखरे थे। क्राइम सीन ऐसा था कि लोगों की आत्मा कांप जाए, यहां तक कि जो जांच के लिए अधिकारी पहुंचे थे उनकी भी आत्मा कांप गई वो तस्वीर देखकर, और हैरान रह गए सब, क्योंकि दिल दहलाने वाला ये पूरा मामला वाकई हैरान करता है। तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको पुलिस जांच को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, पुलिस जो थ्योरी सामने रख रही है वो आपके सामने जानकारी के जरिए रख देते हैं, क्योंकि जो थ्योरी बता रही है उसमें कितना दम है ये आप खुद तय करिए। 2 सितंबर से महालक्ष्मी गायब हुई थी और इसी दिन महालक्ष्मी का मोबाइल बंद हो गया था। 2 सितंबर से महालक्ष्मी के घर कोई नहीं आया, पड़ोसियों ने घर में कोई आवाज नहीं सुनी, पुलिस को इसी घर में कत्ल का शक है। बेहोशी या नींद की दवा देने की भी संभावना है, और टुकड़ों में शव मिला है, और इसको देखकर हैरान थे सभी। और शक के घेरे में कौन कौन है, क्योंकि एक अजनबी की आहट यहां पर कही जा रही है, जो पूछताछ हुई उसमें ये बात सामने आ रही है। हेमंत दास जो पूर्व पति है, सबसे पहले वो शक के दायरे में। अशरफ हेयर ड्रेसर जिससे कहा जा रहा है कि महालक्ष्मी की बातचीत थी, अच्छी बातचीत थी, वो भी शक के दायरे में। और एक अजनबी शख्स जो फरार बताया जा रहा है, क्योंकि आस पड़ोसी कह रहे हैं कि एक शख्स था जिसका आना जाना था, जो आता जाता था, और जब घटना हुई उसके बाद से उसका आना जाना खत्म हो गया। इसको लेकर देखिए जांच का दायरा जो चल रहा है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। शक की सुई कैसे उस अजनबी शख्स के आसपास घूम रही है, चलिए वो जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि अजनबी की ओर पुलिस की शक की सुई घूमती दिखाई दे रही है। महालक्ष्मी की जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, पुलिस के पास अजनबी की पूरी जानकारी है। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद पश्चिम बंगाल भागने का भी शक जाहिर किया जा रहा है। उस अजनबी के नाम का खुलासा पुलिस नहीं करना चाहती, नाम का खुलासा होने से ऐसा लग रहा है कि वो शख्स अलर्ट हो जाएगा, और यही वजह है कि पुलिस यहां पर बताना नहीं चाहती है। लेकिन बार बार इस तरह के मामले सामने आना अपने आप में शक जाहिर करते हैं कि आपको किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, आप ही को तय करना पड़ेगा। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।